ऐसी दीवानगी। पापा आज मैंने मेरी मंजिल की ओर दूसरा कदम रखा है। मैं आपको प्रेम के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि आप जो कर रहे हैं वो शादी नहीं धोखा है। मेरा तुमसे वादा है और चैलेंज भी, ये शादी तो होके रहेगी। मैं भी देखती हूँ कि आंखें खोल कर देख। आखिर बड़ी बहन को मंडप तक तो छोटी बहन ही लेकर जाएगी। अरे बाप रे, हे भगवान, मोटा बहन रोको उसे। तू शादी के कार्ड क्यों जला रही है? तेजस्वी क्या कर रही है तू? इस शादी में कोई नहीं आएगा। तेजस्विनी दीदी, मैं भी आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ। ये लीजिए, मुझे पता है आपको मेरा ये तोहफा बहुत पसंद आएगा। खोलो भाई। अरे हम भी तो देखें हमारी होने वाली साले साहिबा आपके लिए क्या तोहफा लाई। तेजस्विनी दीदी, मैं भी आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ। मुझे पता है आपको मेरा ये तोहफा बहुत पसंद आएगा। खोलो भाई। अरे हम भी तो देखें हमारी होने वाली साले साहिबा आपके लिए क्या तोहफा लाई। दूल्हे राजा क्यों दूर दूर बैठे हैं? इनके हाथों में भी तो मेहंदी लगनी चाहिए ना। हाँ हाँ, घर पे तो बड़ा सज सवर कर इंतजार कर रहा था कि कब पहुंचू तेजस्विनी के घर। अब क्यों शर्मा रहा है? अरे प्रियल, तुझे पता नहीं है वो दूर से बैठा हुआ मेहंदी के बर्तन को घूरे जा रहा है, सोच रहा है कब मुझे कोई कहे और मैं आके मेहंदी लगवाऊं। बिल्कुल सही कह रही है भाभी। रुको, मैं ही लेकर आती हूँ इसे। आप एक काम कीजिए, आ जाओ यहाँ, आ जाओ जल्दी। शर्मा क्यों रहा है इतना? आ जाओ। आप ना हमारी दुल्हन के साथ साथ हमारे दूल्हे राजा को भी मेहंदी लगा दो। हम भी तो देखे कि प्रेम तेजस्विनी से ज्यादा प्यार करता है या तेजस्विनी प्रेम से ज्यादा प्यार करती है। वो कहते हैं ना, जितना गहरा मेहंदी का रंग उतना ही गहरा प्यार। काकी, तेजस्विनी की मेहंदी का रंग तो इतना गहरा होगा कि आज तक कभी किसी दुल्हन का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जितना प्यार मैं तेजस्विनी से करता हूँ ना, उतना प्यार तो वो खुद से भी नहीं करती। अरे तेजस्विनी, अब तुम ही देखती रहोगी या हम सबको भी दिखाओगी कि तुम्हारी बहन ने क्या तोहफे में दिया है? बोलो। भाई जरा हमें भी दिखाओ, हमारी साली साहिबा ने आपको किसकी तस्वीर गिफ्ट की है? उर्मी, मुझे दे, मैं सबको दिखाती हूँ। कोई बात नहीं तेजस्विनी। तेजस्विनी कोई बात नहीं, तुमने जानबूझ के नहीं किया। भैया अंदर जाके गीला कपड़ा ले आइए। अरे आप चिंता मत करो मोटा बहन, मैं अंदर जाके उसे साफ कर लेता हूँ। तेजस्विनी बेटा कोई बात नहीं, तस्वीर हाथ से फिसल गई, होता है। प्रीति, I'm really sorry. तुमने मुझे इतने प्यार से वो तस्वीर दी और मैं उसे संभाल नहीं पाई। तेजस्विनी, ओ बीवी, यहां पे अकेले क्यों खड़ी हो? मेरे बारे में सोच रही हो क्या? तेजस्विनी क्या हुआ? तुम
तुम रो क्यों रही हो? हाँ क्या बात है, मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं प्रेम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुम्हारी और मेरी शादी हो रही है ना, अब पापा साथ में है नहीं, तो बस उनकी याद आ गई। सच बताओ यही बात है या फिर कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपा रही है? तुम नहीं समझोगे। अरे ऐसा क्या है जो तुम्हारा प्रेम नहीं समझेगा? तुम समझाओगी तो मैं सब समझ जाऊंगा तेजस्विनी, बताओ। और ये रोना बंद करो, रो नहीं। प्रेम, जब मैं 10 साल की थी तब पापा ने मेरे लिए लहंगा लिया था। वो चाहते थे कि वो लहंगा मैं अपनी शादी में पहनूं। वो लहंगा मेरे पापा का मेरे लिए आखिरी तोहफा था। हद कर दी प्रीति आज तूने। अरे ऐसे अपने ही परिवार के खिलाफ जाता है कोई क्या? अरे तेजस्विनी तेरी बड़ी बहन है। दीदी मेरी बड़ी बहन है, इसलिए तो मैं हैरान हूँ, आखिर मेरी बहन किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? पूछिए इनसे, क्या खेल खेल रही है ये प्रेम के साथ? प्रीति मैं तुझे कैसे समझाऊं? पापा, जिस तेजस्विनी दीदी को मैं जानती थी वो गलत के लिए आवाज उठाती और सही का साथ देती थी, लेकिन ये जो मेरे सामने खड़ी है ये मेरी तेजस्विनी दीदी नहीं है। बस प्रीति चुप हो जा। मामा जी प्लीज गुस्सा मत करिए, प्रीति अभी छोटी है, ये समझ नहीं। आप तो बहुत बड़ी हो गई है ना, आपको लगने लगा है कि आप किसी की भी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं? प्रीति एक बात मेरे कान खोलकर सुन ले, तू इन सारे मामलों से दूर रहेगी, समझी? अरे सही गलत का फैसला करने वाली तू होती कौन है? पापा मतलब आपको सब पता है, तो ये कारण है जो तेजस्विनी दीदी प्रेम से शादी करना चाहती है? दीदी धर्म सिंह जी से फूफा जी की मौत का बदला लेना चाहती है? पत्नी अगर ढाल बनकर खड़ी हो जाए ना तो कोई भी मुसीबत घर की चौखट तक नहीं लांग सकती। नालो, मिस्टर कुमार, कल के हेडलाइंस के लिए मेरे पास एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। मैंने सब तैयारी कर ली है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूं, ठीक है? बचाई कौन है देश में? अरे वो सेठ जी को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अरे उसके तीनों बेटे और उस गौरी को ठिकाने लगाना है। तू मारेगा सेठ जी को धोखेबाज? मुझे रोड पे लाके मेरे घर में आराम से बैठी है, हाथ मत लगा मुझे। सबने मुझे मना किया था इस लड़की से शादी नहीं करनी, मेरी मत मारी गई थी। क्या तमाशा मचा रही है? क्या तमाशा मचा रही है? कुछ तो बहुत होगी ना तुम, मेरी माँ के हाथ से मुझे मार खिला के। अरे
ये मिला तेरे प्यार में बेवफा। एक्चुअली काम वो ये था कि कल मेरी एंगेजमेंट है और उसके लिए मुझे मैरिज हॉल बुक करना है। इनफैक्ट मैं एक्चुअली किसी और मैरिज हॉल में गया था लेकिन वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं है, इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई देता नहीं है ना, तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो मैं एक्चुअली ये 60,000 रुपये और मुझे 2 दिन के लिए हॉल चाहिए। मेरा दूसरा इयररिंग कहाँ है? दूसरी सैंडल भी गायब है। गॉड क्या हो रहा है? ये मुझसे क्या हो गया? आपकी माफी की काबिल भी नहीं हूँ मिस जानवी।